नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ अविनाश पांडे। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि AK-47 को लेकर बरदह गांव में छापेमारी चल रही है। मुंगेर के SP के नेतृत्व में ये छापेमारी की जा रही है और मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये मामला है। हम आपको बता दें कि मुंगेर के SP के नेतृत्व में AK-47 को लेकर मुंगेर में छापेमारी चल रही है और ये बरदह गांव की आपको वारदात बता रहे हैं, जहां पर AK-47 को लेकर छापेमारी चल रही है और यहां के SP के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर AK-47 मामले को लेकर छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां AK-47 को लेकर बरदह गांव में छापेमारी चल रही है और मुंगेर के SP के नेतृत्व में चल रही है यह छापेमारी। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है ये मामला, जहां पर AK-47 को लेकर ये छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि मुंगेर के SP के नेतृत्व में ये 47 को लेकर AK-47 को लेकर छापेमारी चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने मुंगेर के संवाददाता गौरव से। गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जैसा कि यहाँ पर AK-47 को लेकर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदा गांव में छापेमारी चल रही है जी। ये जो इलाका है SBI के, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ठीक पीछे ये छापेमारी चल रही है, जहाँ पर जमीन की कुड़ाई करवाई जा रही है JCB के माध्यम से। लेकिन अब तक पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है जी। अभी तक। वो खाद छान रही है उस इलाके की। और जहां तक बात करें तो इसमें जो है एक रिजवान नाम करके व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके निशानदेही पे जो है ये कोड़ाई करवाया जा रहा है। बिल्कुल। और लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगी है। लेकिन जहां तक जो जो स्थिति देखा जा रहा है जी। और जिस तरह से मीडिया कर्मियों को उस खुदाई स्थल से दूर रखा जा रहा है, मीडिया कर्मियों से जो दायरा बनाया जा रहा है, वो किसी ना किसी एक मतलब जो है सीक्रेसी की बू आ रही है, जी जिसको जिला प्रशासन जो है उसमें कुछ ना कुछ राज है, जो कि जिसके वजह करके मीडिया को जिसको डायरेक्ट छुपाना चाह रहे हैं वो। मतलब हम दूर तस्वीरों रखा में जा रहा देख है। रहे हैं किसी के हाथ में हथकड़ी बंधी है। गौरव, क्या वो यही आरोपी है जिसके निशानदेही पे ये छापेमारी चल रही है? जी, जैसे कि हाँ, वो जो आरोपी है उसकी जो उसको जो है अभी तक ये भी नहीं बता पाए हैं मुंगेर SP बाबूराम कि क्या ये वो व्यक्ति उस मामले में इन्वॉल्व है या नहीं है। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की थी हम लोगों ने, जी लेकिन उन्होंने बोला कि बाद में मैं बात करता हूँ। बाद में बात कहने की बात कह करके वो टाल करके निकल गए हैं। छापेमारी वहां पर अभी तक खुदाई चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हाथ लग पाया है पुलिस को। जी बिल्कुल। कितनी दबिश के साथ छापेमारी चल रही है, क्योंकि काफी मात्रा में यहाँ पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है हमें। जी जैसा कि ये जो मामला है, लेकिन अब हमको तो ये लग रहा है जो स्थिति देख रहे हैं जी कि अभी वो हाल फिलहाल में लगभग वो कुल 21 AK-47 उस इलाके से बरामद किए गए हैं। लेकिन जितना वक्फा गुजरा है, 2 से 3 महीना होने जा रहा है, जी तो इसको लेकर कर कर करके जो है जो शुरुआती दौर में जो हथियार मिल गए, अब मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि समय गुजर गया है। और इसको लेकर के लगातार वहां पर दबिश बनी हुई है। अभी 2 दिन पहले NIA की टीम भी वहां पर आई थी जी और उसने भी छापेमारी की थी। उसने डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा जोर दिया था। जो जितने भी मुख्य आरोपी उनके घर पे छापेमारी की गई थी, घंटों 5 से 6 घंटे से ऊपर छापेमारी वहां पर NIA के द्वारा की गई थी। वहां पर मुख्य रूप से बैंक अकाउंट फोकस था कि बैंक अकाउंट में इन लोगों का ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, क्या हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, इन सब चीजों पे जो है ये किया था NIA ने। और बहुत कुछ अहम कागजात भी मिले थे। लेकिन ये जो मामला लग रहा है ये उससे एक अलग हट करके लग रहा है। लग रहा है कि ये जो है एक पुलिस की जो है ना मतलब है इस मामले को दूसरे ओर मोड़ने की पहल कर रही है। पहल कर रही जी है। गौरव, यहाँ से ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो मामला चल रहा है, ये जो छापेमारी चल रही है, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? जी जैसे कि यहाँ पर तो देखा जाए तो वहां पर से 3 महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। 2 व्यक्ति हैं, 2 पुरुष हैं जिनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी तक ये पुलिस के द्वारा ये नहीं कहा गया कि वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। बिल्कुल, वो कुछ ना कुछ मतलब छुपाने की यहाँ पर अंधेरे कोशिश में की तीर जा रही चला है। रही है, तुक्का मारने वाली बात हो रही है। जी 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 गौरव, यहाँ से आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कुछ महीनों से NIA की बात कर लें और जिस तरीके से वहाँ पर AK-47 बरामद की गई थी, तब से इस तरीके की छापेमारी लगातार चल रही है। स्थानीय लोगों की क्या स्थिति है? क्या उनमें किसी दहशत का माहौल है क्या? देखिए, दहशत का माहौल तो है इस बात को लेकर के, लेकिन अगर पूरे मामले में देखा जाए तो
तो जितना विलंब हुआ है पुलिस की भूमिका पे भी अब सवाल उठ रहा है। जिस तरह से जो विलंब हुआ है, अभी तक केस को इस केस में न्यायालय को चार्जशीट सबमिट नहीं की गई है। 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 25 और लोग हैं जिनके लिए गिरफ्तारी होनी है। लेकिन अब जो जिस तरह से विलंब हो रहा है और जो छापेमारी हो रही है, इसमें कुछ अलग ही खेल अब इशारा कर रहा है कि इसमें वैसे भी लोगों को ये जोड़ा जा रहा है। विश्व सूत्रों की माने तो ये भी अब चर्चा का विषय हो गया है कि पुलिस अब इसमें ऐसे लोगों को भी इन्वॉल्व कर रही है जो कि उस मामले से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन बावजूद उसके सुबह में नाम जुड़ रहा है और शाम में जो है उसकी डील हो कर करके उसका नाम हटाया जा रहा है। इस तरह भी विश्व सूत्रों का कहना आ रहा है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए गौरव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता गौरव जो ज़्यादा जानकारी दे रहे थे। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदरह गांव में छापेमारी चल रही है और AK-47 के लिए वहां पर खुदाई चल रही है।